तो हमें 52 क्वेश्चन में बेटा क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखी है, बना लो। रोम्बस की तो सारी साइड बराबर होती है ना, ये ध्यान रखना। ए बी सी और डी एक रोम्बस है, पहली बात। उसके बाद आगे पढ़ो, स्ट्रेट लाइन थ्रू सी, तो सी से मैं कलर चेंज करता रहूंगा ताकि आपको डायग्राम अच्छे। सी से एक स्ट्रेट लाइन है, वो इस तरह से खींची है कि ए बी को भी प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं मीट कर रही है और ए डी को भी प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं मीट कर रही है। तो सपोज ए बी को तो प्रोड्यूस करने पे यहां पे मीट कर गई, इस पॉइंट का नाम रख दो क्यू। ए डी प्रोड्यूस एट पी एंड ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ये दिया हो ना, स्ट्रेट लाइन थ्रू सी कट्स ए डी प्रोड्यूस एंड पी एंड ए बी प्रोड्यूस एट क्यू। ए डी प्रोड्यूस को तो वो कहाँ मीट कर रही है बेटा, पी पे मीट कर रही है। यहां तक आया समझ, डायग्राम पहले तो डायग्राम पे फोकस करो। ए बी सी डी एक रोम्बस है, मैंने ग्रीन में बना दी। स्ट्रेट लाइन थ्रू सी कट्स ए डी प्रोड्यूस्ड एट पी, ठीक है, ए डी प्रोड्यूस्ड एट पी एंड ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ये सब कुछ मैंने कर दिया। एक चीज और कर दी कि डीपी जो है ना वो ए बी का आधा है, तो ए बी को आप कुछ ना कुछ मान लो। सपोज ए बी को मैंने एज्यूम कर लिया कि 2 यूनिट है, रेशियो का कुछ भी मान सकते हो आप, 2 यूनिट या एक्स यूनिट जो भी कहना चाहते हो। तो डीपी जो होगा वो 1 होगा, बताओ डीपी 1 क्यों होगा, क्योंकि क्या रखा है डीपी ए बी का हाफ है। अच्छा, इस रोम्बस की सारी साइड 2 होंगी, ये भी 2, जिस जिससे हमें मतलब है हम वही वही लिख लेते हैं, ये भी 2, चलो सारी लिख देता हूँ, ये भी 2, सारी 2 यूनिट्स है, ये रोम्बस की सारी साइड तो बराबर होती है। अब जल्दी से देखो, ट्रायंगल को ना ऐसे देखो, पी से शुरू हो जाओ, देखना पी ए क्यू ट्रायंगल नजर आ रही है, हमें निकालना क्या है पहले तो ये देख लो। देन रेशियो ऑफ बी क्यू टू ए बी, रुको, देन रेशियो ऑफ बी क्यू टू ए बी, ये बी क्यू नजर आ रहा है, बी क्यू रेशियो ए बी निकालना आपका पर्पस है, आपका एम क्या है इस क्वेश्चन में, बी क्यू रेशियो ए बी निकालना। अब ट्रायंगल को यूं देखना शुरू करो, पी ए, देखो मेरा पेन जा जा रहा है, पी ए क्यू नजर आ रहा है, इसमें जो डी सी है, डी सी वो ए क्यू के पैरेलल है, अगर डी सी ए क्यू के पैरेलल है तो बी पी टी से ये जो पी डी रेशियो डी ए है वो पी सी रेशियो सी क्यू के बराबर होगा। बताओ बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो डी सी जो लाइन है वो थर्ड ए क्यू के पैरेलल है, क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड को प्रोड्यूस ही तो किया है, तो ये रोम्बस की अपोजिट साइड्स ना। If a line is drawn parallel to the third side, then it will divide other two sides proportionally. तो other two sides proportionally का क्या मतलब है? जो DP और AD का रेशियो होगा, ये 1:2 है अगर, तो ये रेशियो PC और CQ का रेशियो भी 1:2 होगा, 1:2। एक्चुअल तो कुछ भी हो हमें मालूम नहीं है, ना हमें वो जान के कुछ करना है, तो ये PD रेशियो DA अगर 1:2 है तो हमारा पी सी रेशियो सी क्यू भी 1:2 हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में पेन को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए इतनी डिटेलिंग कर रहा हूं। अब ट्रायंगल क्यू, मेरा पेन देखो, ऐसे देखो ट्रायंगल को, क्यू ए पी नजर आ गई, ट्रायंगल क्यू ए पी में देखो आप ध्यान से, बीपीटी फिर लगाओ, बी सी पैरेलल है रोम्बस की साइड किसके, ए डी या ए डी प्रोड्यूस के, एपी के, तो फिर से बीपीटी लग गई। कैसे लग गई बीपीटी, की जो सी क्यू रेशियो सी पी होगा वो तो हमें मालूम है 2:1 है, वो बी क्यू रेशियो ए बी होगा, तो सी क्यू रेशियो सी पी तो यहां से ही मालूम है, ये उल्टा कर करके लिखा हुआ है 2:1, तो बी क्यू रेशियो ए बी भी 2:1 होगा। देखो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बीपीटी 2 बार लगा दी, सेम ट्रायंगल में 2 बार बीपीटी लगा दी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस है हमारी, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया। इस थ्योरम में जो हमने यूज किया बीपीटी, इस क्वेश्चन में जो हमने बीपीटी थ्योरम यूज की,
उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। बोलो समझ आ गया आप सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी समझ आ गया सबको? और ये दोबारा बता दो एक बार, जो लास्ट वाली आपने लगाई है। देखो बेटा ट्रायंगल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, QAP नजर आ रही है? देख QAP, इसमें BC जो है ये देख, ये AP के पैरेलल है, रोमबस की अपोजिट साइड को प्रोड्यूस ही तो किया हुआ है AD को। यस सर। दोबारा से BPT लगा सकता है? दोबारा से BPT लगाने का मतलब ये QC या CQ बोल दे, ये कलर चेंज कर देता हूँ रुक, ये ऑरेंज QC अपॉन पूरा या QC अपॉन CP ले ले, QC अपॉन CP नजर आ, इसके बराबर होगा QB अपॉन BA BPT की वजह से। अब QC यस सर। ये देखिए रहा उल्टा 1/2, या उल्टा करके लिखो तो 2/1 है, तो वो भी तो 2/1 हुआ ना लॉजिकली, 2:1, ठीक है ना? बोलो आया समझ? हमें तो रेशियो से मतलब है, एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है। अब यूं तो उसको आपने 2 माना हुआ था, तो रेशियो का ये 2 है, तो ये रेशियो का ये 4 है, बना तो ये 4:4:2, तो 2:1, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है? बोलो आया समझ अब अच्छे से?